पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। चार राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जब तक ये मध्य प्रदेश की शान रहेगी, भाजपा की शान रहेगी, ये कमल खिलता रहेगा, ये चमन खिलता रहेगा। एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनी। मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 130 प्लस तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी MP के मन में हैं। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां की और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, नेतृत्व पूरे देश भर ने स्वीकारा है, दुनिया ने तो स्वीकारा ही है। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं मुक्ता सिंह। 3 दिसंबर को सामने आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी न बीजेपी को उम्मीद थी और न ही कांग्रेस को। पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर हल्ला मचा रहे तमाम एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। कांग्रेस का सफाया करते हुए मोदी मैजिक के चलते बीजेपी ने 3 सबसे अहम राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने ना सिर्फ मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने में सफलता हासिल की है बल्कि कांग्रेस के पाले से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता भी छीन ली है। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में BRS को घर का रास्ता दिखाते हुए वहां की सत्ता अपने नाम कर ली है। हालांकि नतीजे सामने आने से पहले तमाम एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आने का दावा कर रहे थे जबकि राजस्थान में इस बार कमल खिलाने वाले थे। हालांकि नतीजे सामने आने से पहले तमाम एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आने का दावा कर रहे थे जबकि राजस्थान में इस बार कमल खिलाने वाले थे, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने खुद विश्लेषकों को भी जबरदस्त झटका दे दिया है। वहीं 5वें राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तारीख बदल गई। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 1 दिसंबर को यह ऐलान किया कि इस राज्य में 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। दरअसल मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व है, इस वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बाकी 4 राज्यों में हुई आज दिन भर की उठापटक के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में जहां लगातार उसकी बुरी हार की भविष्यवाणी की जा रही थी वहां नतीजों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं से तो अब जवाब देते नहीं बन रहा जो सुबह तक 130 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने कांग्रेसी नेताओं को हक्का बक्का कर दिया है। बिना CM फेस के चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के सभी नेताओं के चेहरे पर गजब की चमक लौट आई है। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के नेतृत्व की आंखों में खटकने वाले मामा शिवराज अब सबको प्यारे लगने लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की चलाई लाडली बहन योजना और हिंदुत्व को लेकर चले उनके सारे दावों ने ही कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। अब आते हैं राजस्थान पर, तो यहाँ भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। यहाँ भी पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरह CM चेहरा घोषित नहीं किया था। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी का ये दांव ऐसा सफल हुआ कि कांग्रेस को धाराशाही कर दिया। हालांकि राजस्थान में CM कौन होगा, बीजेपी की जीत के बाद यही सबसे बड़ा सवाल है। अब माना यह जा रहा है कि राजस्थान में CM रेस में वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। उनके अलावा CM रेस में सांसद दिया कुमारी, CP जोशी, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ के नामों की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 2018 की हार से सीख लेते हुए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया था। पार्टी ने PM मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा। पार्टी का ये फॉर्मूला सफल हो गया और अब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूबे की सत्ता कौन संभालेगा। CM की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा है। रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह और OP चौधरी के नाम भी CM रेस में है।
दक्षिण राज्य तेलंगाना में जैसे कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। इस राज्य में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए मौजूदा पीएम केसीआर का तीसरी बार सीएम बनने का सपना चकनाचूर कर दिया है। साल 2014 में बने राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 सीटों का है। कांग्रेस ने राज्य में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीआरएस ने 119 और बीजेपी ने 108 सीटों पर। लेकिन अनुमान के मुताबिक आए नतीजों में तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को इस बार राज्य की कमान सौंपी है और केसीआर का पत्ता साफ कर दिया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चारों राज्यों में अभी तक के सूरत हाल की। अब थोड़ा बीजेपी की बात कर लेते हैं। जिन तीन राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, उनमें से किसी भी राज्य में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बताया था। अब इसका मतलब तीनों राज्यों में चुनाव सीएम फेस पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर लड़ा गया था, जो खूब सफल रहा। मोदी मैजिक चल गया। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों राज्यों में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी ने नॉन सीएम फेस पर चुनाव लड़ा था, तब भी पूरी पार्टी में सीएम के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही थी। पहले भी इस तरह के बड़े फैसले लेकर बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती रही है। पिछले कुछ सालों में गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, त्रिपुरा समेत तमाम राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों को सीएम बनाया, उसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नए और चौंकाने वाले चेहरे सीएम की कुर्सी पर दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बीजेपी किस किस को बना सकती है इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।